रूस और यूक्रेन के बीच काफी समय से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को 2 साल हो चुके हैं। इन 2 सालों में हर बार रूस की ओर से ही परमाणु हमले की दुनिया चिंता जताती रही है। इस बीच एक दस्तावेज लीक हुआ जिसमें बताया गया है कि आखिर रूस कब परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति कई वजह से परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 29 लीक फाइलें 2008 से 2024 के बीच और टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार से जुड़ी हैं। यानी रूस का ये प्लान लगभग एक दशक पुराना है। इन फाइलों के मुताबिक जिन हथियारों का इस्तेमाल रूस करना चाहता है वे पूरे शहर को तबाह करने वाले अंतर महाद्वीपीय श्रेणी का परमाणु बम नहीं है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ये बताया गया है कि आखिर कितना नुकसान होने पर रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। दस्तावेज में कहा गया है कि अगर रूस के 20% रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां खत्म हो जाती हैं, तो वे परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी पनडुब्बियां मिसाइल हमला करने में सक्षम है। न्यूक्लियर पावर पनडुब्बियां अगर 30% नष्ट हो जाती हैं, तो भी हमला किया जा सकता है। इन लीक फाइलों में वॉर गेम के विवरण भी हैं, जो सेना को हमले का जवाब देने की रणनीति से जुड़ा है। इस दस्तावेज में सबसे हैरान करने वाली बात चीन का जिक्र है। दरअसल इसमें उस कल्पना को भी शामिल किया गया है जिसमें चीन रूस पर हमला कर सकता है। ऐसी स्थिति में चीन को रोकने के लिए रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार तैनात कर सकता है। एक परिदृश्य में कहा गया है कि चीन को रोकने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा। ये दूसरे आक्रमण को रोकने के लिए होगा। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि भले ही चीन और रूस की करीबी बढ़ रही हो, लेकिन एक समय रहा है जब रूस को चीन के हमले से भी डर रहा है। आज के समय दोनों देशों के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप है। दोनों देशों ने एक दूसरे की सेना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये प्रतिज्ञा की है। रिपोर्ट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के एक प्रवक्ता ने परमाणु फाइलों की सत्यता को चुनौती दी है। वहीं 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। रूस की ओर से कई बार परमाणु हमले की चेतावनी दी जाती रही है। पुतिन भी कई बार परमाणु हमले की चेतावनी देते रहे हैं। हालांकि दुनिया पुतिन को इससे बचने के लिए कहती रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।